नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको मेंशन देना है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन। तो सबसे पहले बच्चों जैसे अपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है सर? जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज वेरिएबल मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the motion of body is called non-uniform motion or variable motion। बच्चों uniform motion की opposite definition है ना? uniform motion का definition क्या था? जब एक body equal distances cover करती है equal interval of time में तो उसको uniform motion बोलते हैं। और non-uniform motion और variable motion क्या होता है? when a body covers unequal distances in equal interval of time, then the motion of body or object is called वेरिएबल मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बच्चों आप पहले सेकंड में 4 मीटर चले, दूसरे सेकंड में आप 5 मीटर चले, थर्ड सेकंड में आप 3 मीटर चले, तो हर बार टाइम तो 1 सेकंड है बच्चों, लेकिन आपका डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। सो बच्चों अगर वेरिएबल मोशन की ये डेफिनेशन है तो वेरिएबल स्पीड क्या होगी सर? व्हेन अ बॉडी कवर्स सेम वही हो जाएगा बच्चों, व्हेन अ बॉडी कवर डिफरेंट डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the speed of body is called variable speed। same as बच्चों variable velocity में क्या हो जाएगा? when a body performs different displacements in equal interval of time, then the velocity of body is called variable velocity। तो same बच्चों जो हमने किसके केस में पढ़ा था, uniform के केस में पढ़ा था, उसका just opposite पर जहाँ जहाँ equal लिखा है distance में, वहाँ वहाँ unequal कर दो। क्या बन जाएगी बच्चों? variable speed, variable velocity और variable motion।